नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, क्लास लगा की पूरी टीम की तरफ से मैं अंजलि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस में हमने जाना कि सीएचएसएल एग्जाम कैसा होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, जॉब में क्या क्या काम करना होता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएचएसएल में पोस्ट प्रेफरेंसेस कैसे भरनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे यूपीएससी एग्जाम में सबको आईएएस चाहिए, एसएससी सीजीएल में सबको एग्जामिनर और इंस्पेक्टर चाहिए, एमबीए के लिए सबको आईआईएम चाहिए, पर आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी ये सब निर्भर करता है कि आप एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। तो दोस्तों, पते की बात ये है कि मन चाहे पोस्ट पाने का मूल मंत्र है मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। एक बार मार्क्स अच्छे आ गए तो आप मन चाहे पोस्टिंग अपने मन चाहे शहर में ले सकते हैं। हमारे अनुसार सीएचएसएल में पोस्ट प्रेफरेंसेस भरते वक्त आपको सबसे ऊपर डेटा एंट्री ऑपरेटर डालना चाहिए, क्योंकि इसकी सैलरी एलडीसी और कोर्ट क्लर्क से ज़्यादा है। एक डीईओ लगातार ग्राहकों और सीनियर ऑफिशियल्स के संपर्क में रहता है, तो उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन जाते हैं और रोज़ वह कुछ ना कुछ नया सीखता है। दूसरे नंबर पर आपको पोस्टल असिस्टेंट भरना चाहिए, क्योंकि इसकी सैलरी डेटा एंट्री ऑपरेटर के बराबर होती है। उसके अलावा इस पोस्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको अपना होम टाउन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस पोस्ट के लिए लोकल लैंग्वेज आना कंपलसरी है। इसके बाद आप तीसरे और चौथे नंबर पर एलडीसी और कोर्ट क्लर्क अपने हिसाब से भर सकते हैं। दोनों की सैलरी बराबर होती है। इन दोनों में से जिस पोस्ट की वैकेंसी ज़्यादा हो उसे आप पहले डालिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा पोस्ट होती हैं उतनी ही चांसेस आपको मनचाही जगह मिलने के होते हैं। तो दोस्तों, ये थी एसएससी सीएचएसएल से जुड़ी पूरी जानकारी। पहली दो वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आपके मन में सीएचएसएल को लेकर अभी भी कुछ सवाल हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी खबरें, नोटिफिकेशंस और नई नौकरियों की ओपनिंग्स की जानकारी के लिए क्लास लगा बुलेटिन देखना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास लगा वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय।